वेलकम स्टूडेंट्स, जो एमएससी फाइनल में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में, उस टॉपिक का नाम था सेकेंड ऑर्डर मेथड। ये अपने पास में टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर मेथड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अपन आज कर रहे हैं। उनमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है वो देखो आप, वाई डबल डैश बराबर 3y2y स्क्वायर, ठीक है, एंड इनिशियल बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन आर y0 = 4 and y1 = 1 विथ h = 1/3 यूजिंग सेकेंड ऑर्डर मेथड, ठीक है। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास में नॉन लीनियर के लिए है। नॉन लीनियर मतलब कि पावर यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास में है नॉन लीनियर के लिए, बाकी सारे के सारे में वाई डबल डैश और वाई डबल डैश या फिर वाई या फिर एक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वाई स्क्वायर है ये। तो अपन इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर मेथड तो लगाएंगे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर मेथड को, लेकिन ये है नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर को अपन चेंज करेंगे, मतलब नॉन लीनियर की सहायता से इसको अपन सॉल्व करेंगे ना। तो इसके अंदर जो मेथड है वो लगाएंगे अपन न्यूटन रैप्सन मेथड। लास्ट क्लास में हल्का सा मैं डिस्कशन किया था कि अपन डेल बाय डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल बाय डेल वाई निकालेंगे, तो आगे देखेंगे वो। तो आ जाओ पहले सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हेयर गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज वाई डबल डैश, जे में चेंज कर देता हूँ, इक्वल्स टू 3y2yj2, ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन क्या हमारे पास में, ये देखो y0 = 4 and y1 = 1, ठीक है, और h का मान दिया हुआ है 1/3। तो एक लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, 0 से 1 तक किसकी सहायता से, 1/3 की सहायता से। तो 1/3 की सहायता से मतलब क्या होगा कि 0 में 1/3 ऐड करेंगे तो एक आएगा 1/3, फिर ऐड करेंगे तो आएगा वो 2/3, फिर ऐड करेंगे तो आएगा 3/3 यानी 1 आएगा। यानी इसमें तीन स्टेप में अपन मान निकाल लिए, एक तो मान निकाल लिए अपन y0, ये y1, ये y2 और y3। यानी 1 का जो मान है, इट मीन्स इधर ही लिख देता हूँ नीचे ही, इट मीन्स y3 का मान
ये वाई वन यानी वाई थ्री पे जा रहा है ना, जीरो वन टू थ्री, वाई थ्री का वस्तु तो वन हो गया, और यहाँ पे देखो वाई जीरो यानी वाई जीरो, और वाई जीरो का मान कितना हो गया, फोर हो गया, ये ध्यान रखना, इसको अपन काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लो आराम से, यहाँ तक सबको अपन ने बस चेंज कर दिया अपन। ठीक है, अब आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला। वी नो डैट सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला इज, वो क्या है, y डबल डैश j इक्वल्स टू वाई जे माइनस वन, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तक, माइनस का टू वाई जे और प्लस का वाई जे प्लस वन, और अपॉन में है h स्क्वायर, और अपॉन में है h स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है y डबल डैश j के लिए। इस मान को रख उठा के रख देते अपन किसके अंदर, समीकरण नंबर एक में, इक्वेशन नंबर वन में इस वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या क्या मान आएगा, पुट दीज वैल्यू, दीज वैल्यू मतलब कि y डबल डैश j का मान इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो y डबल डैश j का मान देखो क्या क्या आएगा हमारे पास में, y डबल डैश j का मान तो ये, यानी y j माइनस वन, माइनस का टू वाई जे और प्लस का वाई जे प्लस वन, और अपॉन में मान है वो है एच स्क्वायर। वहां से देखो इक्वल टू क्या है, थ्री वाई टू, थ्री वाई टू, और यहां से है वाई जे स्क्वायर, तो से एडजस्ट कर देते हैं इसको। तो ध्यान से देखना क्या क्या मान आएगा, और एडजस्ट कर दो, वो मान क्या क्या आएगा, यहाँ से वाई जे माइनस वन एज इट इज, माइनस टू वाई जे भी एज इट इज, प्लस वाई जे प्लस वन ये भी एज इट इज, इक्वल्स टू थ्री वाई टू, एच स्क्वायर गुणा में जाएगा तो बनेगा एच स्क्वायर और वाई जे का स्क्वायर, और इसका नाम डाल देते हैं दो नंबर। ठीक है, यहाँ तक देख लो आराम से, वाई जे माइनस वन, इस सभी मानों को अपन इसके अंदर पुट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एच का मान भी रख देते हैं, एच का मान क्या, वन बाई थ्री है, तो एच की जगह जैसे ही वन बाई थ्री रखेंगे तो एच का स्क्वायर है, तो वन बाई थ्री का स्क्वायर यानी वन अपॉन में नाइन, तो थ्री से नाइन एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा थ्री, और थ्री और टू मिलकर बन जाएगा सिक्स, यानी वन अपॉन में सिक्स, जे बराबर वन और टू। अब इधर ध्यान से देखना, जे का मान अपन एक और दो ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक रखोगे तो जीरो पे कंडीशन आ जाएगा, दो रखोगे तो दो रखते ही तीन पे कंडीशन आ जाएगा। बोले जे बराबर तीन तो रखते थे अपन, समीकरण तीन तो बननी चाहिए, बोला जे की जगह तीन रखते हो ना, तो यहाँ से तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये बन जाएगा थ्री प्लस वन यानी वाई फोर, और वाई फोर का कोई मान ही नहीं हमारे पास, मैक्सिमम मान है वो है वाई थ्री का, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो किसके लिए है, y3 के लिए है, तो y4 तो आ ही नहीं सकता है, यानी इस क्वेश्चन में। अब बोले कि जीरो से रख दें अपन, तो बोला जीरो से भी नहीं रख सकते, जीरो रखोगे तो बोलेगा माइनस वन बनेगा, अब माइनस वन के लिए भी बाउंड्री कंडीशन नहीं है हमारे पास में, यानी इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा j का मान एक और j का मान दो, बस दो ही पुट करना पड़ेगा। j का मान जैसे एक पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास में y0, j की जगह जीरो पुट करते ही,
वन पुट करते, सॉरी माइनस का टू वाई वन प्लस का वाई टू बराबर, अच्छा एच स्क्वायर तो चला गया ना, एच स्क्वायर तो मान ही रख दिए, वन वाई सिक्स वन रख रहे हैं अपन, तो यहाँ से वाई वन का स्क्वायर, वाई वन का स्क्वायर, इसका नाम डाल दिया अपन इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, देख लो एक बार, तो इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, ठीक है, ये तो हो गया j बराबर वन के लिए, j बराबर टू पुट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो टू पुट करते यहाँ से क्या मिलेगा, वाई वन टू माइनस वन, वाई वन टू पुट कर रहे हैं तो टू वाई टू, टू पुट करने से प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू वन वाई सिक्स वाई टू स्क्वायर, इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर चार। देख लो यहाँ तक, अब इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं अपन बाउंड्री कंडीशन, जो करते आए हैं अभी भी वही करना है, लेकिन आगे जा करके थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा ये। नाउ वी अप्लाई, देखो इधर, नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अब अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे सामने, वो तो है एक तो है वाई ज़ीरो, वो तो है चार, और एक है वाई थ्री जिसका मान है एक, तो वाई ज़ीरो की जगह तो चार, वाई ज़ीरो की जगह तो देखो यहाँ से फोर, फोर माइनस टू वाई वन प्लस वाई टू इक्वल्स टू वन वाई सिक्स वाई वन स्क्वायर, वाई ज़ीरो का मान इसके अंदर पुट कर दिए अपन, ठीक है, और सेकंड वाले में वो क्या है, ये रहेगा y1 वन माइनस टू वाई टू वाई थ्री का मान प्लस वन, प्लस का वन इक्वल टू क्या है वन वाई सिक्स वाई टू स्क्वायर, इसका नाम डाल दिए पांच नंबर और इसका नाम डाल दिए छह नंबर, यहां तक ठीक है। हर क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कभी भी ये स्क्वायर नहीं बनता था इस तरफ, अब ये ऊपर बाहर देखो यहाँ पे स्क्वायर की टर्म्स आ रही है आपका इसमें, अगर स्क्वायर नहीं होता तब तो अपन इक्वेशन को सॉल्व करके मान निकाल सकते थे, अब ये जो दो इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व अपन सिंपल नहीं कर सकते हैं जो अपन करते आ रहे थे। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन सॉल्व करते थे तो वो लीनियर फॉर्मेट वाली होती थी, कभी भी स्क्वायर की इक्वेशन नहीं होती थी अपने पास में, लीनियर इक्वेशन को ही अपन केवल सॉल्व करते थे, लेकिन जबकि यहाँ पे स्क्वायर की इक्वेशन और है, तो इन दोनों इक्वेशन को हल करना है हमें, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग किसी भी मेथड से, जो आपको अच्छा मेथड लगता हो उस मेथड से कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, ये समीकरण को हल करना, यूनिट नंबर जो फर्स्ट बची ना अपने पास में, वो यही है इक्वेशन को केवल सॉल्व करना, वहाँ पर नए नए मेथड पढ़ोगे, चलो सेबी से मेथड, मूलर मेथड, मूलर मेथड के बाद में न्यूटन रैप्सन मेथड, उन सभी मेथड से भी हम इक्वेशन को हल कर सकते हैं, यानी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास में उसके अंदर केवल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे अपन, केवल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, इटरेशन मेथड जो भी मेथड अपने पास में, एटकन प्रोसेस मेथड, तो केवल इक्वेशन को हल करेंगे अपन, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में ये सारे सारे मेथड है, उनमें से कोई से भी एक मेथड लगा सकते हैं अपन, उन सभी मेथड में से जो सबसे आसान है उन सभी मेथड में से जो सबसे आसान मेथड है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड का डेरिवेशन भी करेंगे अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। डेरिवेशन क्या, जो भी वर्किंग रूल बताऊंगा ना वो भी डेरिवेशन एक तरीके से। तो अभी तक अपन इन दोनों इक्वेशन को हल कर रहे हैं, और हल करने के लिए अपन अप्लाई कर देते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, बाद में न्यूटन रैप्सन मेथड की डिटेल और देखेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को अपने को हल करना, बोलो पहले इसको एडजस्ट तो कर दो, एडजस्ट करेंगे इधर तो सिक्स को इधर भेज दो, तो सिक्स को इधर भेजते ये बन जाएगा अपने पास में क्या 24 इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। यानी देखो क्या इक्वेशन आएगी आपके पास में, सिक्स को इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से तो क्या रहेगा वाई वन स्क्वायर, ये 24 हो जाएगा, ये माइनस का टू वाई उधर जाएगा तो क्या मिलेगा प्लस का टू वाई वन, प्लस का टू वाई वन
माइनस का वाई टू 24, तो माइनस का 24 बराबर जीरो। ठीक है, इसी को अपन लेड कर लेते हैं कि ये आपके पास में है पहला फंक्शन एक्स वाई का। सिमिलरली देखो सेकेंड वाला वाई टू का स्क्वायर, यहाँ से सिक्स तो हो गया मल्टीप्लाई में, अच्छा सिक्स से मल्टीप्लाई वाला सबसे होगा ना, सिक्स टू से भी होगा तो 12, इसमें नहीं इसमें सिक्स जब होगा तो सिक्स और ये 12y1, यहाँ से मिलेगा 6y2, ये ध्यान रखना सिक्स सबसे होगा गुणा वाई टू स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस का 6y1 और प्लस का 12y2 और माइनस का 6 बराबर जीरो। और इसको अपन लेट कर लेते हैं दूसरा फंक्शन किस में, एक्स में और वाई में, इसका नाम डाल देते हैं 7 नंबर, इसका नाम डाल देते हैं 8 नंबर। केवल 5 और 6 को अपन एडजस्ट किए हैं बस, 5 और 6 को केवल अपन एडजस्ट किए हैं बस। ठीक है, एक्स वाई वो एक्स वाई में, लेकिन यहाँ पे वाई वन वाई टू वेरिएबल्स है तो एक्स वाई वेरिएबल्स ना होकर यहाँ वेरिएबल्स क्या रहेगा वाई वन और वाई टू, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है वाई वन और वाई टू। ठीक है, तो ये अपने पास में 2 इक्वेशन बन गई है। ठीक है, वाई वन स्क्वायर 12y1 6y2 24, वाई टू स्क्वायर 6y1 प्लस 12y2 माइनस 6 बराबर जीरो। अब हमें इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को हल करना है, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड या एक मेथड और आसान होता है मूलर्स मेथड, मूलर मेथड भी आसान होता है, लेकिन मूलर मेथड भी नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मूलर मेथड अभी अपन यूनिट नंबर 1 में देखेंगे, तो वो जब मेथड पढ़ लोगे तो उसके बाद में आप लोग मूलर्स मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं केवल बस। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 विथ हेल्प ऑफ कौन सा लगा रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड अपन इसके अंदर लगा रहे हैं दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड कहता क्या है वो भी देख लो एक बार। जो फंक्शन है सबसे पहले अपने को मान निकालना पड़ेगा जे का, फिर मान निकालेंगे अपन जे वन का, फिर मान निकालेंगे अपन जे टू का। वो कैसे निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर देता हूँ तो पता चल जाएगा। जो सबसे पहले अपने पास में फंक्शन है इसको वाई वन के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करना चाह रहा हूँ, यानी डेल एफ अपॉन में डेल वाई वन का मान क्या आएगा। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई वन का मान जब इसमें हम निकालेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे वाई वन के रिस्पेक्ट में, यहां से तो मिलेगा 2y1 के रेस्पेक्ट में प्लस का 12, इसका भी जीरो इसका भी जीरो, और एक निकालना चाह रहा हूं फिर से डेल एफ अपॉन में डेल वाई टू का मान। ये देखते रहना कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, बाद में इसके अपन डेरिवेशन वगैरह देख लेंगे। कहता क्या वैसे न्यूटन रैप्सन मेथड कि जे निकाल लो, और जे का फॉर्मूला यही होता है डेल एफ बाई डेल वाई वन डेल एफ बाई डेल वाई टू फिर डेल जी बाई डेल वाई वन और डेल जी बाई डेल वाई टू, इसके लिए डिटर्मिनेंट ये मान निकलता है जे का। फिर जे वन का एक स्टेप ही आगे खिसक जाएगा, ये नहीं आएगा केवल ये आएगा, यहाँ पे मान इक्वल टू के बाद वाला मान आएगा। ठीक है, फिर के निकालेंगे तो ये देख लेंगे अपन बाद में डिटेल में, अभी आ जाओ। वाई टू के रेस्पेक्ट में इसका जीरो इसका जीरो, यहाँ से वाई टू के रेस्पेक्ट में माइनस का सिक्स माइनस का सिक्स वाई टू के रेस्पेक्ट में बस। सिमिलरली डेल जी अपॉन में डेल वाई वन बराबर, इसका भी वाई वन के रेस्पेक्ट में ये जीरो, वाई वन के रेस्पेक्ट में माइनस का सिक्स बस, यहाँ से तो माइनस का सिक्स। और डेल जी अपॉन में डेल वाई टू बराबर वाई टू के रेस्पेक्ट में, तो वाई टू के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से मान मिलेगा क्या 2y2 y2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा 2y2 ये जीरो, यहाँ से प्लस का 12
प्लस का 12 और ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ये मान अपन निकालिए डेल एफ बाई डेल वाई वन का और डेल एफ अपॉन में डेल वाई टू का और सारे सारे एंड वी लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपने को लेट करना है। एक तो y1 जीरो का मान और एक मान लेट करना है आपको y2 जीरो का मान। ये मान आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हो, ये जो y1 का मान और y2 का मान आपको लेट करना है तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी मान लेट कर सकते हो, ध्यान रखना ठीक है। जो मन करे वो लेट कर लो इसके अंदर। तो मान लिया कि मैं लेट कर रहा हूँ 2 और एक मान लेट कर लेता हूँ 3 ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे 1-1 भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि वही मान लेना है बाद में जब जे का मान लो ना उसका डिटर्मिनेंट वो जीरो नहीं बने। इधर ध्यान से देखना अब कि यहाँ पे 2 और 3 क्यों लिख दिए। मन करे 2 और 3 नहीं लिखने का हटा सकते हो, 3 की जगह मन करे 4 लिखने का तो 4 लिख दो, 4 लिखने का मन कर रहा है तो 4 लिख दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपन लेट कर रहे हैं तो लेट तो अपन कुछ भी कर सकते हैं ठीक है। ये मान अपन इसलिए यहाँ पे लेट कर रहे हैं क्योंकि जब ये वाली वैल्यू इसके अंदर लेट करोगे ना आप लोग तो एक ही अप्रोक्सीमेशन में मान निकल करके आ जाएगा। अगर इस वाले को आप लोग लेट करते हो तो एक अप्रोक्सीमेशन में मान आपके पास में निकल करके आ जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं वाई वन जीरो का मान और वाई टू जीरो का मान इस हिसाब से लेट कर रहे हैं क्योंकि अगर अपन एक अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे ना तो अपने पास में करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब कोई बोलता है कि ये लेट नहीं करना है, 2 लेट की जगह मान लो सर हमें तो 1 लेट करना है इसकी जगह और इसकी जगह 2 लेट करना है। बोले ये लेट कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। बोला लेकिन जब ये लेट करोगे ना तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं चलेगा, सेकेंड पे जाना पड़ेगा, थर्ड पे जाना पड़ेगा। अब बात रही कि हम याद रखेंगे इसके अंदर कि हमें क्या लेट करना है क्या लेट नहीं करना है। बोले इसके अंदर तो इंटरवल नहीं दिया हुआ था आपके पास में। जब अपन न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास में इंटरवल दिया हुआ रहेगा कि इस इंटरवल के बीच में ही लेट करो। तो बाद में तो क्या है कि क्वेश्चन को आसान करने के लिए उन्होंने क्या करने लग जाएंगे वो लोग कि एक इंटरवल की लेंथ दे देगा कि इसी लेंथ में से लेट करो। तो जब उस लेंथ दे देगा तब तो आपको पता है हमेशा अपन मिड पॉइंट लेट करते हैं। तो मिड पॉइंट लेट करने से फ़ायदा पता ही है आपको, आगे जाएगा तो भी आसान रहेगा, पीछे आएगा तो भी आसान रहेगा। मिड पॉइंट से तो फ़ायदा होता ही है ना। एक स्टार्टिंग लेट करो और मान लो आंसर लास्ट पॉइंट तक आ रहा करिए तो कितनी बार आपको निकालना पड़ेगा, बहुत बार निकालना पड़ेगा। और एक मिड निकालोगे तो मिड से जस्ट आगे चले जाओगे, जस्ट पीछे आ जाओगे ठीक है। तो बाद में तो इंटरवल की लेंथ दे देंगे ये लोग। अभी जो निकालोगे आप लोग तो अभी 2 और 3 अगर लेट कर लोगे तो एक ही अप्रोक्सीमेशन में काम हो जाएगा आपका। अगर 2 और 3 लेट नहीं करोगे 1-2 भी लेट कर सकते हो, 1-1 भी लेट कर सकते हो, 0.5-0.5 भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो लेट करो ठीक है। लेट कर रहे हैं अपन किसके लिए मान, y1 का मान, y1 का मान लेट कर रहे हैं ना। तो आपको पता हो तो इसके अंदर इंटरवल इसके अंदर भी देखो क्या दे रखा था, वो दे रखा था पास में 0 से लेकर के 4 तक। तो 0 से 4 तक के मान कुछ भी लेट कर लो आप लोग, क्योंकि y0 पे मान दे रखा था 1, यानी y0 का मान 1 दे रखा था ना, और एक मान नहीं y0 का मान 4 दे रखा था और एक मान 0 दे रखा था, 0 दे रखा था एक मान, या 1 दे रखा था सॉरी। तो 1 और 4 के बीच में कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हो, इंटरवल क्लोज होनी चाहिए तो क्लोज इंटरवल में 1 भी लेट कर सकते हो। तो 1 और 4 के बीच में आप लोग चाहो जो मान यहाँ पे लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि अगर ये ध्यान रहेगा ना, अगर मान लो 2 और 3 इस क्वेश्चन में स्पेशली, तब आंसर एक अप्रोक्सीमेशन में निकल जाएगा। इसको आप लोग क्या करना है, एक काम करना है, इसको 2-3 की जगह 2-2 ले लेना या 1-2 ले लेना, फिर सॉल्व करना, एक ही जगह 2 अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, आंसर तो आएगा, आंसर में कोई दोहराई नहीं है, आंसर तो आएगा ठीक है। अब जब y1 और y2 का मान लेट कर लिए अपन तो अपन फिर से मान निकाल लेते हैं इसका, देन डेल f अपॉन में डेल y1 किस पे, 2 पे, 2 रखेंगे यहाँ पे मान तो 4 और 12 यहाँ से मान आएगा 16। यहाँ पे मान कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, बोला पहले से कांस्टेंट है, बोले ये भी कांस्टेंट है, बोला यहाँ पे और रख दो। और डेल जी अपॉन में डेल y2 को जो रखना है 3, यानी 6
और 12 यानी यहाँ से मान आएगा आपका इसमें 80। ठीक है यहाँ तक। अब चलेंगे अपन न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले पे कि न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला क्या कहता है। अच्छा, ये फंक्शन का मान भी निकालना है, फंक्शन पे भी तो निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में ये एफ और जी भी आता है फॉर्मूले में। चलो मैं लिख दूंगा कि क्या मान आएगा। अब देखो आगे ध्यान से, देन जे बराबर फॉर्मूला होता है ये डेल एफ अपॉन में डेल वाई वन, डेल एफ अपॉन में डेल वाई टू, डेल जी अपॉन में डेल वाई वन और डेल जी अपॉन में डेल वाई टू। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? जे के लिए। जे के लिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास में। रख दो सारे सारे मान, डेल एफ बाई डेल वाई वन यानी 16, डेल एफ बाई डेल वाई टू माइनस का 6, डेल जी बाई डेल वाई वन फिर माइनस का 6 और डेल जी बाई डेल वाई टू 18। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करके मान देखो क्या आ रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मान हमारे पास में आ रहा है 252। ये वाला मान आ रहा है हमारे पास में जे का। तो न्यूटन रैप्सन मेथड ये कहता है कि सबसे पहले जे निकालो। ठीक है, जे निकालने के बाद में अब अपन फाइंड करेंगे जे वन का मान, कि जे वन का मान क्या आएगा। जे वन फर्स्ट इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन था एफ और जी में इक्वल टू के बाद में था, इक्वल टू के बाद में था ना, वो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का एफ और माइनस का जी इसकी जगह, और ये एज इट इज रहेगा, यानी डेल एफ अपॉन में डेल वाई टू एज इट इज और डेल जी अपॉन में डेल वाई टू एज इट इज। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लो कोशिश करो इसको, मान लो अगर सॉल्व करते ना और अगर मान लो ये मान जीरो आ जाता तो फिर वो सही लेट आप लोग नहीं कर रखे। तब ध्यान रखना, अगर मान लो जीरो मान बन जाता है किसी कारणवश तो जो लेट कर रखे हो कुछ और लेट कर लो, क्योंकि अगर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा तो सीधी बात जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जे वन के लिए। अब बात रहेगी एफ का मान और जी का मान क्या है, एफ का मान और जी का मान क्या है। तो जो पहला फंक्शन था फर्स्ट फंक्शन, उस फंक्शन में हर जगह y1 की जगह रख दो 2 और y2 की जगह रख दो 3, तो मान निकल कर आ जाएगा आपके पास में f का। यही सेम टू सेम चीज रख दो सेकेंड वाले इक्वेशन के अंदर तो मान निकल कर आ जाएगा आपके पास में g का। इस तरीके से f और g का मान आएगा। तो f का मान तो आएगा 14, मैं लिख देता हूँ, माइनस 14 आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। और डेल बाई डेल y2 का मान कितना है, डेल बाई डेल वाई टू माइनस का 6 और माइनस का जी, इसका जब मान निकालोगे तो ये 27 आएगा, 27 आएगा जी का मान, माइनस लगते ही कर देगा माइनस का 27 और डेल जी बाई डेल वाई टू इसका मान आपका उसमें रहेगा 18। इसको फिर से पूरे को सॉल्व कर लो तो मान निकल करके आ जाएगा जे वन का। ठीक है, और ये मान आपके पास में है 90। ये पता चल गया, यानी जो पहला फंक्शन था आपके पास में y1 और y2 का, इसमें रख दिए अपन क्या क्या 2 और 3, तो मान अपने पास में निकल कर आ गया माइनस का 40। ठीक है, और जो सेकेंड फंक्शन था g y1 और y2 का, इसमें भी रख दिए अपन क्या 2 और 3, तो ये मान निकल कर आ गया अपने पास में 27। इसमें रखना है आपको तो पता चलेगा। J2 पे आ जाओगे, J2 का क्या बनेगा फॉर्मूला, बोला सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस एफ जी खिसक के इधर आ जाएगा, यानी इधर तो आ जाएगा माइनस का F और माइनस का G, इधर बचेगा जो दिया हुआ है एज इट इज, यानी डेल F अपॉन में डेल Y1 और डेल G अपॉन में यहाँ पे फिर से डेल Y1, ये मान निकलेगा J2 के लिए। ठीक है, J2 की जगह बोलो सारा सारा मान रख दो। तो J2 की जगह जैसे ही मान रखोगे
सारी सारे वैल्यू पुट कर दो तो J2 का मान निकल के आएगा माइनस का 348, माइनस का 348 यहीं पे लिख देता हूँ, सारा सारा मान रख दो तो मान आएगा J2 के लिए माइनस का 348। देन H बराबर J1 by J and K बराबर J2 by J, H और K तब निकलेगा। एक बार देख लो फिर से, क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। H बराबर J1 माइनस का 14 अपॉन में J यानी 252 और K बराबर J2 अपॉन में J, तो J2 का मान क्या, माइनस का 348, माइनस का 348 अपॉन में 252। इसको फिर से सॉल्व कर लो तो मान निकल के आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा H का और K का, एक तो आएगा 0.3571 माइनस का, और जो एक वैल्यू आएगी आपके सामने वो क्या आएगा वो देखो, प्लस का ही आएगा, माइनस का 1.3809, माइनस का 1.3809, ये माइनस नहीं है प्लस नहीं है। इस तरीके से मान हमारे पास में आएगा एच का और के का, देख लेना एक बार अच्छे से, एच का और के का। ठीक है, कब तक निकालना है, जब तक सेम नहीं हो जाए। देन y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर y1 का जीरो अप्रोक्सीमेशन प्लस h, y2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बराबर y2 का जीरो अप्रोक्सीमेशन प्लस का k। y1 का जीरो अप्रोक्सीमेशन कितना लिख रखे थे अपन, एक तो अपन दो माने थे, एक तीन माने थे, उसके अंदर ये मान ऐड करना है, तो इस प्रकार निकल के आएगा एक तो y1 का और एक y2 का, तो एक निकल के आएगा 2.3571 और एक जो मान निकल के आएगा वो आएगा y2 के लिए, और वो कितना निकल कर के आएगा 1.6191। अब ये नई वैल्यू आपके पास में ये आ गई, जो पहले हम लेट ये करते थे ना मान, अब हमारे पास में न्यू मान ये आ गया। फिर से निकालेंगे अपन j का मान, j1 का मान, j2 का मान, फिर से निकालेंगे अपन h का मान और k का मान, फिर जाएंगे अपन दोबारा किस पे, फिर से जाएंगे अपन y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और y2 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा जो अपन लेट कर रखे हैं y11 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिजिट सेम आ जाता है, यही मान अगर दूसरे वाले के लिए भी आ जाता है तब तो यही तक करना है, अगर ये मान और आगे तक जाता है तब, जब तक जाकर के सेम हो जाए पॉइंट के बाद में, तब तक आपको सॉल्व करना है, तब तक आपको सॉल्व करना है उस इक्वेशन को। ठीक है, देख लो एक बार। सिमिलरली मैं सेकेंड वाला फिर से नहीं फाइंड कर रहा हूं, मैं बस डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे। Similarly, we again find क्या निकालोगे, J, J1, J2। अब बोलोगे इसके अंदर मान, बोलो वही फंक्शन सब कुछ रहेगा जो Y1, Y2 पहले अपन दो और तीन ले रहे थे ना, वो अपने को ये लेना है, तीन और दो जो भी ले रहे थे, इससे क्या पता चला कि भाई तीन नहीं था मानो, तीन से कम था मान लेना अपने को, मतलब वो जो दो ले रहे थे अपन, दो नहीं लेना था, दो से कम लेना था अपने को। अगर अपन पहले ही वन वन ले लेते तो थोड़ा सा आगे बढ़ते अपन, आंसर तो सेम ही आना है, जे जे वन और जे टू। देन एच के फिर निकालोगे, एच और के के बाद फिर निकालोगे दोबारा जो मान निकालोगे, वो निकालोगे क्या, वाई वन का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या मिलेगा, y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस न्यू h का मान,
वाई टू का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस k का मान, यहाँ से फिर से मान निकलेगा और करीब करीब यही निकल करके आएगा आपके सामने, करीब करीब यही मान निकल, हो सकता है पॉइंट के बाद में 3.5 की जगह 3.4 आ जाए, करीब करीब इतना ही आएगा आपके पास में सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में भी मान। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि कैसे कब तक करेंगे इसके अंदर, नहीं भी सेम आए तो, अगर केवल अपने को न्यूटन रैप्सन मेथड ही लगाना होता तो अपन इसके अंदर कम से कम 3 इटरेशन या 4 इटरेशन जरूर करते। अगर सिर्फ अपने को न्यूटन रैप्सन मेथड ही लगाना होता तब तो अपन 3 या 4 इटरेशन का मान निकालते, लेकिन इसके अंदर अपने पास में टारगेट ये करना नहीं था, अपने पास में टारगेट था इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर मेथड लगाना, तो अपन मेथड लगा रहे थे सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन उसके अंदर नॉन लीनियर इक्वेशन फंस गया, तो उस नॉन लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्व कर दिए न्यूटन रैप्सन मेथड से। ठीक है, तो इसके अंदर ये टारगेट हमारे पास में नहीं था कि हम इक्वेशन को सॉल्व करना है सही तरीके से, इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर दी तो भी बहुत है, कि ये क्या क्या है न्यूटन रैप्सन मेथड में, एक तो निकालें अपन जे का मान, पहले तो फंक्शन का वाई वन वाई टू दोनों के रेस्पेक्ट में डेरीवेटिव, दूसरे का भी वाई वन वाई टू दोनों के रेस्पेक्ट में डेरीवेटिव। ठीक है, फिर निकालें अपन जे का मान, जे वन का मान और जे टू का मान, इन सभी मानों को उठा करके अपन पुट कर दिए एच में और के में, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल गया। सेकेंड सेम टू सेम यही प्रोसेस लगाना है, तो उससे माना जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना था। आ जाओ नेक्स्ट पे, तो नॉन लीनियर का एक ही मात्र यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं। सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है, y डबल डैश बराबर माइनस का 8 साइन स्क्वायर पाई एक्स जे, साइन स्क्वायर पाई एक्स और फिर साथ में y, फिर साथ में y, ये हमारे पास में है y डबल डैश का मान, ये हमारे पास में है y डबल डैश के लिए मान। x का मान 0 से 1 के बीच में, 0 से x का मान 1 के लिए, x का मान जो है कंडीशन क्या है 0 से लेकर के 1 तक के लिए, और y0 y1 बराबर 1 एंड y0 बराबर y1 बराबर 1 स्टेप साइज h बराबर, स्टेप साइज h बराबर वो मान है 0.25 0.25 यूजिंग
सेकेंड ऑर्डर मेथड, एक जो फोर्थ ऑर्डर मेथड कराया था ना न्यूमेरो मेथड जिसको अपन नाम दे रहे थे, तो इसी क्वेश्चन को न्यूमेरो मेथड के लिए भी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन को, इसी को न्यूमेरो मेथड के लिए सॉल्व करो। और ऐसे मान लो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए एक क्वेश्चन हर साल लगभग लगभग यही क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछ रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब इस वाले मान को अपन सॉल्व करेंगे ना तो सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल पाता इसके अंदर, ठीक है, बता दूंगा अभी, हिंट दे दूंगा। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर x का भी मान निकलेगा, x j के लिए भी मान निकलेगा। अच्छा 0.25 मतलब समझ गए ना, 1/4 है ये दिया हुआ, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज मत होना। आ जाओ सॉल्यूशन पे, हेयर गिवन बाउंड्री, हेयर गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज, गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज y"j, अच्छा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ठीक है, -8 साइन स्क्वायर पाई एक्स जे और वाई जे, ठीक है, एंड इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन वो क्या है, y0 = y1 = 1, ठीक है, हमें x का भी मान निकालना है, कहां से कहां तक x का मान, 0 से 1 तक के लिए विथ हेल्प ऑफ 1/4, तो 0 से 1/4 पहले, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4, यानी ये जो मान हो गया आपका, इसमें लिख देता हूँ मैं नीचे यहाँ पे कि x के भी मान चाहिए हमें ध्यान रखना, यानी x 0 का तो मान हो गया 0, x 1 का मान हो गया 1/4, x 2 का मान हो गया 2/4 और x 3 का 3/4, ये भी काम में आएगा। इसमें आ जाओ, y 0 का तो हो गया मान कितना, 0 पे 1 और y 1 मतलब 0 1 2 3 4, y 4 का मान भी हो गया आपका इसमें 1, ये हो गया इसके लिए, ये सबसे मेन बस यही है। अब तो क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है हाथ में और जहाँ पे जो मान है वहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना बस, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग तो एक चीज़ और देख लो इधर, चलो पहले स्टार्ट ही करते हैं। वी नो डैट सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला इज y"j बराबर yj-1 माइनस का 2yj और प्लस का yj+1 और अपॉन में h², ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है कहाँ, तो ये है इक्वेशन 1, ठीक है। Then we get क्या मिलेगा मान, देखो इधर ध्यान से आ जाओ सही तरीके से, y"j का मान ये है, यानी yj-1 माइनस का 2yj और प्लस का yj+1
अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है, वाई जे माइनस वन माइनस टू वाई जे प्लस वाई जे प्लस वन अपॉन में एच स्क्वायर, ये हो गया वाई डबल डैश जे का मान इक्वल टू, के बाद में माइनस है इधर भेज दूं क्या इसको, या मैं उधर ही रहने दूं, उधर ही रहने देता हूँ, चलो माइनस का एट फिर से ब्रैकेट में साइन स्क्वायर पाई एक्स जे और फिर से ये वाई जे, साइन स्क्वायर पाई एक्स जे और फिर से वाई जे, ठीक है, माइनस का एट साइन स्क्वायर पाई एक्स जे और फिर साथ में आएगा वाई जे का मान, क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ पहले तो, ठीक है, कुछ नहीं करे, बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया अपन, बोला कि एच स्क्वायर को हटाओ सबसे पहले, बोला एच स्क्वायर को भी हटा दो, यानी यहाँ से क्या मिलेगा वाई जे और वाई जे का गुणांक को एक साथ भी लिख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से तो रहेगा वाई जे माइनस वन, ठीक है, एच स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, चलो मिल गया एच स्क्वायर मिल गया आपके सामने, उधर जाएगा तो प्लस का टू वाई जे आ जाएगा, या इधर ही रहने दूंगा तो इधर आएगा तो माइनस का इसमें टर्म्स आ जाएगी आपके सामने, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार लिख ही देता हूँ, माइनस का टू वाई जे प्लस का वाई जे प्लस वन बराबर माइनस का, अब ध्यान से देखना, एट और एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान है वन बाई फोर, एच का मान वन बाई फोर है, तो एच स्क्वायर यानी वन बाई फोर का वन बाई सिक्सटीन, तो आठ से तो कैंसिल करके माइनस का वन बाई टू बचेगा यहाँ पे केवल और केवल, और देखो आगे की टर्म्स, ये मान बचेगा ना माइनस का वन बाई टू वाले फॉर्मेट में ही, यही वैल्यू बचनी चाहिए, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, वाई जे माइनस वन माइनस का वाई जे को कॉमन ले लेते हैं, टू माइनस इधर आएगा तो प्लस में बनेगा, एट साइन स्क्वायर पाई एक्स जे और फिर बाहर वाई जे, एक एच का मान और रह गया शायद, एक एच स्क्वायर और रह गया इधर गुणा में होगा तो इसी के साथ में कर देता हूँ, माइनस का एट एच स्क्वायर वाई से, यहाँ से टर्म्स आ जाओ, प्लस का वाई जे प्लस वन बराबर जीरो, अभी इधर ध्यान से देखना जे का मान कहाँ से रखना अपन स्टार्ट करें, जे का मान कहाँ से रखोगे, बोला जीरो रख दे तो हो जाएगा, बोले कहाँ से होगा क्योंकि वाई जीरो का मान है, जीरो रखोगे ध्यान में मिलेगा माइनस वन, माइनस वन तो कोई मान ही नहीं है, यानी जे का जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा, वन से आएगा, मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, वाई फोर तक, यानी तीन रखेंगे तो चार मिल जाएगा, तो वन टू और थ्री रखना है जे का मान, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि इस वाले पार्ट को जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो वो इस वाले पार्ट को, केवल इस वाले पार्ट को, तो ध्यान रखना जब कैलकुलेटर, यहाँ पे गलती होती होती है, फिक्स है, ठीक है, कैसे करना है सॉल्व, कैलकुलेटर के अंदर पहले या तो इसका अलग से मान निकाल लेना केवल साइन स्क्वायर पाई एक्स जे का, अगर एक साथ निकालते हो तो ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर, साइन देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, साइन फिर ब्रैकेट लगाना फिर पाई, जब वन रखोगे तो मिलेगा एक्स वन और वन रखोगे तो एक्स वन का मान यानी वन बाई फोर, तो साइन पाई बाई फोर, फिर ब्रैकेट बंद करना फिर उसका स्क्वायर लेना तो मान निकलेगा इसका,
यानी यहाँ पे ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है आपको, अगर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाओगे ना तो पहला मान तो सही दे देगा, आगे का मान सही नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसको सॉल्व तो करना है आपको कैलकुलेटर से ही, कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो पाएगा, बिना कैलकुलेटर सॉल्व हो भी नहीं पाएगा ये, लेकिन अंदर वाले ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पुट कर देते हैं जे बराबर वन, देखो क्या क्या मान आएगा। वन रखते हैं, देखो ये में क्या लेगा, वाई जीरो माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस एच स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 16 मतलब 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स वन, अब फिर साथ में बाहर आ जाएगा y1 और प्लस का y, जे की जगह 1 रख रहे हैं तो y2 बराबर 0, ठीक है। और इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y0 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर पाई x1 यानी 1 बाई 4 यानी पाई बाई 4, अब फिर साथ में बाहर आएगा y1 और यहाँ से मिलेगा y2 बराबर 0। ये किसके लिए है, j बराबर 1 के लिए, j बराबर 2 पे आ जाओ, यहाँ से तो मिलेगा y1 माइनस 2 माइनस, पहले ये तो एजिटी जाएगा 1 बाई 2, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, साइन स्क्वायर पाई x2 और x2 का मान डायरेक्ट रख दूँ 2 बाई 4 तो 2 पाई बाई 4 कैंसिल यानी पाई बाई 2 और फिर बाहर y2 और प्लस का y3 बराबर 0, किसके लिए है ये, j बराबर 2 के लिए है ये मान, j बराबर 2 के लिए है ये मान, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो क्या है, j बराबर 3 के लिए y2, तीन रखेंगे तो y2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर पाई, क्या रख रहे हैं, j की जगह 3 रख रहे हैं तो 3 रखते मिलेगा x3 इन 3 बाई 4 तो 3 पाई बाई 4, अब फिर साथ में y3 प्लस का y4 बराबर भी 0, ये आपके पास में है j बराबर 3 के। अब इन तीनों इक्वेशन को हल करना है, बस इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले अप्लाई करनी है अपने को बाउंड्री कंडीशन। इन तीनों इक्वेशन को हल करने से पहले हमें अप्लाई करनी है वो है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। यानी अपने को बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे पहले उसके अंदर, फिर देखेंगे क्या मान आ रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी जो कैलकुलेशन है खुद को ही करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 We apply boundary condition. अब अपन अप्लाई कर रहे हैं boundary condition जब लगाएंगे तो मान निकल करके क्या आएगा, ठीक है। तो boundary condition लगाने के बाद में 43y1
ये इक्वेशन बननी चाहिए, यहाँ तक चेक कर लेना आप लोग। 43y1 माइनस 25y2 बराबर 24, ये चेक कर लेना, ये मिलनी चाहिए आपके पास में। सेकेंड वाले के अंदर जब लगाओगे 49y1 माइनस 76y2 49y3 बराबर 0 प्लस 49y3 बराबर 0। और एक इक्वेशन और आएगी, वो क्या है, माइनस का 25y2 माइनस का 25y2 प्लस का 43y3 प्लस का 43y3 इक्वल्स टू 24। ये तीन इक्वेशन आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जब मान वगैरह इसके अंदर पुट करोगे, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, कैलकुलेटर से इसका मान निकालोगे, सब कुछ करने के बाद में ये फाइनली इक्वेशन आएगी आपके लिए। और इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मान किसके लिए निकालना होगा, y1 का मान निकलेगा, y2 का निकलेगा और y3 का निकलेगा, इन तीनों को सॉल्व करके। और तीनों को सॉल्व करके जो मान निकलेगा वो भी मैं लिख देता हूँ। y1 का निकलेगा 1824 अपॉन में 818 और y2 का निकल करके आएगा 2352 अपॉन में 818 5 नहीं 8। और y3 का जब अपन निकालेंगे तो y3 के लिए निकल करके आएगा 1 और y3 का समान आएगा और y2 का अलग आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है इसको। और ऐसा मान लो कि सेकंड अगर ऑर्डर का मेथड का क्वेश्चन आता है ना, एक डेरिवेशन आएगा, अभी डेरिवेशन अपन दो तीन और करेंगे डेरिवेशन अभी, ठीक है। दो डेरिवेशन कर लिए अपन, दो तीन डेरिवेशन छोटे छोटे और करेंगे अपन, लीनियर के लिए दोनों मेथड लगाएंगे और नॉन लीनियर के लिए भी दोनों मेथड लगाएंगे। दोनों मेथड मतलब कि सेकेंड ऑर्डर मेथड भी और न्यूमेरो मेथड भी, लीनियर के लिए भी और नॉन लीनियर के लिए भी। उसका तो एक फिक्स फॉर्मेट है, वो वही कराऊंगा अब। तो चारों पांचों डेरिवेशन में एक तो डेरिवेशन आएगा ही आएगा और एक आएगा क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही मिलता है आपके पास, ये वाला मिलेगा या फिर से पहले जो करे थे अपन नॉन लीनियर वाला क्वेश्चन वो आएगा। कि ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये रहता है कि इसके अंदर गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो ही जा कर के रिजल्ट आ पाएगा आपके साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई सा भी मेथड लगाओ, मेथड लगा करके सॉल्व करो बस, ठीक है। यहाँ तक चले आगे, आ जाओ आगे। फाइनाइट डिफरेंस